ये देखिए पाइपिंग बनाने के लिए मैं तिरछी पट्टी को कटिंग करूंगी, जो कपड़ा खींचेगा वहां से लूंगी तिरछा। देखिए 1 इंच की चौड़ाई में पट्टी लूंगी। ये देखिए सारी पट्टियों को मैं एक के साथ एक रख के जोड़ दूंगी। पहले ये देखिए आज मैं आपको परफेक्ट पाइपिंग लगाने का तरीका बताऊंगी। तो ये देखिए जो मेरे साड़ी का मटेरियल है, पतला मटेरियल है एकदम सॉफ्ट, तो इसके ऊपर पाइपिंग लगाने के लिए देखिए पहले जो गले का भाग है उसको देखिए मैं आधा आधा इंच की सिलाई लगा दूंगी पहले गले में। ये देखिए मैंने साड़ी का मटेरियल उल्टा रखा है अस्तर के ऊपर, ताकि पलटाएंगे तभी बराबर सीधे में आ जाएगा। इसको बिल्कुल खींचूंगी नहीं, आप चाहे तो पिन लगा के बाद में सिलाई करिए। देखिए जहाँ पे गोलाई आएगी वहाँ पे आप यहाँ से देखिए ब्लाउज के ऊपर हाथ रख के उसको इस तरह से टर्न दे दीजिए। इसको इस तरह से नहीं खींचना है, पूरा गला मशीन के ऊपर ही बिठाना है अच्छे से, और इस टाइप से उसको मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर देखिए आपको डायरेक्टली नहीं आए तो आप सुई को अंदर रख के पीछे का भाग ऊपर करके कपड़े को आसानी से मोड़ सकते हो, और फिर आप थोड़ा थोड़ा करके जहाँ पे टर्न आएगा गोलाई का उसके अकॉर्डिंग आप सिलाई लगा सकते हो। कि जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे मैं हल्का हल्का कट लगा दूंगी ताकि पीछे की साइड में कपड़े में सल नहीं आए। अभी देखिए जो साड़ी का मटेरियल है उसको मैं पीछे की तरफ ले लूंगी ताकि ये अपना सीधा भाग इस साइड में आ जाएगा। आप देख सकते हो ब्लाउज का सीधा भाग इधर आ गया है। यहाँ पे अभी देखिए मैं कॉर्नर पे पहले दाब सिलाई लगा दूंगी। आप दाब सिलाई अस्तर की तरफ से भी लगा सकते हो ताकि आगे फिनिशिंग और भी अच्छे से आए। इसमें देखिए मुझे पाइपिंग बनानी है, इसके लिए पूरा एकदम कॉर्नर पे दाब सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल एक्स्ट्रा छोड़ूंगी नहीं आगे कपड़े को। इस तरह से पूरा देखिए कॉर्नर पे सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई लगाएंगे तभी गले को भी, इसको भी गला इस तरह से नीचे नहीं लटकाना है, गले को पूरा उसके ऊपर सेट कर देना है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है पूरे गले में। अभी देखिए मैं चारों तरफ किनार पे सिलाई लगा दूंगी अस्तर के ऊपर ब्लाउज को अच्छे से सेट करके। ये देखिए मैंने पूरी सिलाई लगा दी है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर के बाद का उसको कटिंग कर देंगे, अस्तर को बिल्कुल नहीं काटेंगे। ये देखिए मैंने पूरा साइड में सिलाई लगा दिया है, एक्स्ट्रा कपड़े को काट लिए हैं। आप देख सकते हो पूरी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। अभी देखिए मैं पाइपिंग करूंगी तो जो ये कपड़ा मैंने कटिंग किया है उसको देखिए मैं डबल कर दूंगी। इस तरह से डबल कर दीजिए आप, मैं शुरू कर दूंगी। इसमें सिलाई देखिए ज़्यादा नहीं लेनी है, आधा इंच से भी कम लूँगी। अभी जो ये पट्टी है इसको मैं दोनों पार्ट को पकड़ के खींच के लगाऊंगी, ब्लाउज को बिल्कुल नहीं खींचूंगी। देखिए इतनी इतनी सी खाली सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है, इतना सा ही लगाना है। और गले को बराबर इसके मशीन के ऊपर ही सेट करके रखिए।
ये देखिए जो पट्टी खींचते हैं उस पट्टी में इधर झोल नहीं आना चाहिए, बेलन नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि तिरछा आ रहा है तो आप डायरेक्ट सिंगल पट्टी खींच के उसको अच्छे से सेट कर दीजिए और पूरा सही कपड़ा होना चाहिए, बाद में लगाएं। अभी देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी है, अभी जो सिलाई वाला भाग है वो मैं इधर ही रखूँगी, पीछे की तरफ नहीं लेना है, आगे ही रखना है। उसको देखिए बराबर इस पट्टी को इस तरह से आप नाखून के सहारे पहले सेट कर दीजिए ताकि पाइपिंग बनाने के लिए आपको इजी रहेगा। अभी देखिए ये वाला भाग मैंने इधर ही रखा है और उसको आराम से मोड़ते हुए आपको जितनी पतली चाहिए उसके अकॉर्डिंग पहले आप सेट कर दीजिए पाइपिंग को। और जो येलो वाला कपड़ा है और ब्लू वाले के बीच में एकदम किनार पे सिलाई लगानी है, ब्लू के ऊपर नहीं आनी चाहिए। देख सकते हो इस तरह से आप देख के सिलाई लगाएं। यहाँ से देखिए ये वाली चीज़ है जो ये मैंने फोल्ड किया था, इसको आप ऐसे अंगूठे से दबा के रखिए और इस पट्टी को आराम से इस तरह से पीछे मोड़ दीजिए। आप देख सकते हो कितनी पतली पाइपिंग है, बहुत फिनिशिंग के साथ आ रही है। इधर देखिए धागा निकलने का कोई टेंशन ही नहीं है। ये चीज़ जो मैं बार बार उसको दबाती हूँ, देखिए ये अंदर चली गई है, खुला भाग इधर नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ से मैं इस कपड़े को देखिए इस तरह से दबा दूँगी और कपड़े को मोड़ दूँगी ब्लू वाले को। ये देखिए पाइपिंग दिखाने के लिए आपको मेन मैंने ब्लू कपड़ा लिया है ताकि आप आसानी से सीख सको। ये देखिए आप देख सकते हो पाइपिंग एकदम बारीक आई है, आपको जैसमी पतली चौड़ी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सिलाई लगा सकते हो। बहुत इजी तरीका है पाइपिंग सिखाने का, तो आप इसको देख के पाइपिंग ज़रूर सीखें। देखिए आप मेरे वीडियो पे पहली बार हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा के ऑल पे जरूर दबाएं। यो पाइपिंग बहुत सुंदर आई है, पूरी फिनिशिंग के साथ में आई है। अभी मैं पीछे के भाग में यहाँ पे टक्स लगा दूंगी, तो टक्स के लिए देखिए आपको मैंने पहले भी बताया यहाँ से 4 इंच का नाप, अगर आपको 4 इंच के नाप का सेट नहीं होगा तो जो शोल्डर है उस शोल्डर को बराबर सेंटर में फोल्ड कर दीजिए और यहाँ का कपड़ा उसको लेवल कर दीजिए। देखिए यहाँ का आप सेंटर का फोल्ड करके यहाँ से आप तिरछा सिलाई लगे यहाँ पे, देखिए एक उंगली का नाप जितना चाहिए, आधा इंच का, इस तरह से आप टक्स लगा दें। टक्स को देखिए रिटर्न ले लेना है, डबल सिलाई लेनी है तो डायरेक्ट आप रिटर्न ले सकते हो। देखिए आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।